job. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति और हमेशा की तरह मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको LIC के 4 ऐसे बेस्ट पॉइंट बताने वाली हूँ, जिसको बताने के बाद आपको भी लगेगा कि LIC में अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो आप अदर कंपनीज के कंपैरिजन में अच्छे रहेंगे, यानी कि आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी एजेंट हैं तो आज की वीडियो आपके लिए भी है, क्योंकि फ्रेंड्स आप भी अपने क्लाइंट्स को ये 4 बातें समझा सकते हैं कि अगर आप उनको LIC बेचना चाहते हैं तो ये 4 पॉइंट आप उन्हें बताइए। अगर आपका क्लाइंट अंडरस्टैंडिंग होगा तो वो आपकी बात ज़रूर सुनेगा, लेकिन अगर आपका जो क्लाइंट है वो बात सुनना ही नहीं चाहता, समझना ही नहीं चाहता। फ्रेंड्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं, उन्हें आप कितना भी समझा लीजिए, कितना भी उन्हें कह लीजिए, लेकिन करेंगे वो वही जो उन्होंने मन में सोच रखा है। तो ऐसे लोगों को आप नहीं समझा सकते, उनको समझाने में अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय और 4 लोगों से मिलिए और उनसे बातें कीजिए। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो आज की वीडियो हमारी क्लाइंट और जो हमारे एजेंट है दोनों के लिए ही है, क्योंकि अगर क्लाइंट भी अगर ये जानना चाहते हैं कि वो LIC में पॉलिसी क्यों लें, तो मैं आपको ऐसे 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाली हूँ, जिससे कि अगर आप लोग भी सुनते हैं तो आप LIC में पॉलिसी ज़रूर लेंगे। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ हमारे वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे चैनल पे आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना फ्रेंड्स बिल्कुल भी मत जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ चलिए मैं आपको हमारा पहला पॉइंट बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी कहीं भी प्लान कोई भी लेने का सोच रहे हैं, कहीं पैसा आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, तो मैं आपका ऐसा पहला रीज़न आपको भी बता रही हूँ जिससे कि अगर आप LIC में पॉलिसी लेते हैं तो आप फ़ायदे में रहते हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं अपने पहले पॉइंट की, जो कि हमारा है सोवरन गारंटी। यानी कि फ्रेंड्स, LIC क्या करता है, LIC आपको सोवरन गारंटी देता है। ये सोवरन गारंटी होती क्या है दोस्तों, अगर इनकेस कभी भी इन फ्यूचर अगर LIC डूबती है तो सरकार ने ये कहा हुआ है कि LIC में जमा किया गया एक एक पॉलिसी होल्डर का जो एक एक रुपया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास यानी कि सरकार के पास सुरक्षित है। यानी कि सरकार LIC को एक गारंटी देती है, जैसे कि आप और हम अगर कोई बैंक में लोन लेता है तो हम क्या करते हैं, हमारी गारंटी लगती है किसी की भी। जैसे कि मैं अगर लोन लेना चाहती हूँ तो मैं अपने किसी फ्रेंड की या अपने किसी रिलेशन में कोई है उसकी गारंटी देती हूँ, इनकेस अगर मैं कुछ गलत करती हूँ तो बैंक वाले जो वो गारंटर होता है उसको पकड़ते हैं या फिर उससे जाके बात करते हैं कि आपने इसकी गारंटी दी थी, आपने ऐसा क्यों किया। तो जो गारंटर होता है उसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है, गारंटर है, उसने गारंटी दी हुई है आपको और हमें कि अगर इन केस आपको, पहली बात तो LIC कभी भी डूब नहीं सकती है, 1956 से चली आ रही है, आज तक नहीं डूबी है और LIC काफ़ी बेटर कंपनी है। और फ्रेंड्स, इन केस अगर कभी LIC डूबती भी है तो आपको फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको एक एक पैसा गवर्नमेंट इंडिया के पास सेफ है, जिसको कि आप लोग सोवरन गारंटी के नाम से जानते हैं, और कि कोई भी अदर बैंक, अदर इंश्योरेंस कंपनी और आपका पोस्ट ऑफिस कोई भी आपको सोवरन गारंटी नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ LIC को ही सोवरन गारंटी मिली हुई है। यानी कि दोस्तों, आपका पैसा 110% LIC में सेफ एंड सिक्योर रहता है, इसके लिए आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी पॉलिसी लेने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है LIC में पॉलिसी लेने के लिए। अब फ्रेंड्स, दूसरा हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, दूसरा हमारा है जो यहाँ पे आपको मिलता है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। दोस्तों, LIC की आप कोई भी पॉलिसी ले लीजिए, उसमें आपको ये राइडर ज़रूर मिलता है। इस राइडर का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो भी आपने प्लान लिया होता है उसमें क्या रहता है कि एक सम अश्योर्ड, एक बीमा धन रहता है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि 5 लाख का सम अश्योर है। सो फ्रेंड्स, पहले ही दिन से जैसे ही आप लोग बीमा लेते हैं, पहले ही दिन से LIC आपको इस राइडर का लाभ आपको मिलता है। यानी कि इनकेस अगर किसी भी पॉलिसी होल्डर ने आज पॉलिसी ली और इनकेस अगर उसके साथ कल या कुछ भी मिसहैपनिंग हो जाती है 2 महीने बाद, 10 महीने बाद, 2 साल बाद, तो LIC उसको 10 लाख रुपये ऑन द स्पॉट पे आउट करेगी। यानी कि मेरा मतलब ये है कि अगर उसने 5 लाख की पॉलिसी ली है तो उसको डबल रिकवर मिलता है जो भी उसका सम अश्योर रहता है। अगर 10 लाख का सम अश्योर है तो 20 लाख मिलेगा एक्सीडेंटल में, 20 लाख का सम अश्योर है तो 40 लाख मिलेगा, 50 लाख का सम अश्योर है तो 1 करोड़ रुपये उसको मिलेगा ऑन द स्पॉट। फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें अदर इंश्योरेंस कंपनी की, सो फ्रेंड्स
डॉक्यूमेंट यानी कि पॉलिसी करते टाइम वो आपसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट की डिमांड नहीं करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनको जल्दी से जल्दी पैसा दीजिए। जैसे उनके पास पैसा चला जाता है आपकी पॉलिसी चलती है, और अगर भगवान ना करें इन केस पॉलिसी पे क्लेम आ जाता है तो फ्रेंड्स प्राइवेट कंपनी जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उसमें आप चक्कर लगाते लगाते थक जाओगे, आपको पैसा नहीं मिलेगा अगर आप अपने उस एजेंट के टच में नहीं हैं जिसने कि आपको प्राइवेट कंपनी से इंश्योरेंस करवाया था। लेकिन फ्रेंड्स अगर LIC में एजेंट आपके टच में नहीं भी है तो भी आपको फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर किसी की भी पॉलिसी पे जो है यहाँ पे क्लेम आता है, एक्सीडेंट का क्लेम आता है, तो उसको क्या करना है, अपनी सर्विसिंग ब्रांच में जाना है। फ्रेंड्स दो चीज़ें होती हैं, अगर आपको इन चीज़ों की नॉलेज है तो आपका काम जल्दी हो जाएगा, लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है तो जो क्लेम होता है उसमें काफ़ी सारी क्वायरीज होती हैं, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो उसकी वजह से आपको चक्कर ज़रूर लगाने पड़ेंगे, लेकिन आपका काम जो है हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें प्राइवेट कंपनी की, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी की, तो वहाँ पर आपको काफ़ी धक्के खाने पड़ते हैं। और LIC में अगर आपका एजेंट नहीं है तो आप किसी दूसरे एजेंट से भी अपना काम करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स LIC में आपको मिलता है एक्सीडेंटल कवर, आपको मिलता है डबल एक्सीडेंटल यहाँ पे कवर मिलता है ऑन द स्पॉट, आपको कहीं भी इतना परेशान नहीं किया जाता है, क्योंकि जो ऑलरेडी परेशान है उसको परेशान करना हमारी LIC का कोई भी रूल नहीं कहता। सो फ्रेंड्स ये आपके लिए दूसरा पॉइंट हो सकता है कि अगर आप लोग भी पॉलिसी लेने की सोच रहे हैं तो आप LIC पॉलिसी इसलिए ले सकते हैं क्योंकि अगर इनकेस कुछ भी होता है आगे चल के, भगवान ना करे कोई भी मिसहैपनिंग हो जाती है, तो नॉमिनी को ज़्यादा चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, एजेंट टच में नहीं भी है तो किसी अदर एजेंट की वो हेल्प ले सकता है और अपनी सर्विसिंग ब्रांच में जाके अपने काम करवा सकता है। अब फ्रेंड्स इसके साथ साथ हम आपको तीसरा पॉइंट बताते हैं। फ्रेंड्स LIC का जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है हमारा लॉन्ग टर्म प्लान। दोस्तों कई बार क्या होता है कि लॉन्ग टर्म प्लान की वजह से क्या होता है LIC में प्लान भी जो एजेंट होते हैं वो सेल नहीं कर पाते, लेकिन फ्रेंड्स LIC आपको कमीशन ही इस बात का देती है कि आप 20-21 साल की पॉलिसी लाइए तभी तो आपको कमीशन मिलेगा। अगर 5 साल की पॉलिसी मान के चलते LIC में निकल भी जाती है तो एजेंटों की ज़रूरत ही नहीं है, जो कस्टमर है वो खुद ही जाके पॉलिसी करवाएंगे तो आपको किस बात का कमीशन दिया जाएगा। कमीशन उसी चीज़ का आएगा जिसमें मेहनत होगी, फ्री में कोई भी कंपनी आपको कमीशन नहीं देती। सो फ्रेंड्स हमारा तीसरा पॉइंट है ये है लॉन्ग टर्म प्लान, यानी कि LIC में क्या होता है लॉन्ग टर्म प्लान होता है, जिससे कि फ्रेंड्स अगर आपको 5 साल बाद 10 साल बाद पैसों की ज़रूरत है तो वो तो आपकी पूरी हो जाएगी, लेकिन अगर आपको अपने बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, उसको आपको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, या फिर अपनी बेटी को साइंटिस्ट बनाना है, इस तरीके से अगर आप लोग कुछ करना चाहते हैं और अभी आपका बच्चा छोटा है तो आपको 20-21 साल बाद 25 साल बाद पैसा चाहिए ना, 5-10 साल बाद पैसा लेके आप क्या करेंगे, तो आपको चाहिए कि आप लॉन्ग टर्म का प्लान लीजिए। इसलिए फ्रेंड्स LIC इसलिए बेस्ट है ताकि आपका पैसा लंबे समय तक सेविंग आपकी होती है, काफ़ी अच्छी आपकी सेविंग हो जाती है, काफ़ी आपका पैसा आपका जो है इकट्ठा हो जाता है और वो पैसा आपको एक अच्छी जगह पर काम आता है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स इसी में मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि आपकी जो मैच्योरिटी होती है LIC के मोस्टली प्लान्स में जो मैच्योरिटी है वो टैक्स फ्री होती है, उस पर आपका कोई भी टैक्स नहीं कटता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें वो आपके बैंक की, पोस्ट ऑफिस की, तो यहाँ पे आपका जो है टैक्स फ्री नहीं होता है, टैक्स यहाँ पे कटता है आपका। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स मैं आपको हमारा चौथा और लास्ट पॉइंट बताना चाहूँगी। फ्रेंड्स अगर आप लोग भी सोच रहे हैं कि आप लोग पॉलिसी लेना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप लोग LIC में पॉलिसी इसलिए ले सकते हैं क्योंकि LIC में आपको लोन की फैसिलिटी मिलती है। अब फ्रेंड्स आप कहेंगे लोन की फैसिलिटी तो हमें हर जगह मिलती है, तो हम LIC में से क्यों लें, LIC में आकर हम क्यों लें। सो फ्रेंड्स LIC में आप लोग इसलिए ले सकते हैं क्यों, अगर आप LIC में पॉलिसी लेते हैं और आपको लोन की ज़रूरत होती है तो LIC में आपको सिर्फ कुछ जो आपकी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो करने पे आपको लोन मिल जाता है, प्लस जो आपका ईयरली का जो यहाँ पे जो इंटरेस्ट होता है यानी कि जो आपका ब्याज होता है लगभग 9.5 से 10% आपका ब्याज लगता है ईयरली का, यानी कि आपका मंथली का 1% भी ब्याज नहीं लगता है। लेकिन हम लोग बात करें बैंक की तो फ्रेंड्स आपको पता होगा 12%, 14%, 18% भी ये लोग ब्याज लेते हैं, और उसके बाद भी अगर आप लोग ब्याज पे नहीं कर पाते हैं, लोन पे नहीं कर पाते हैं तो ये काफ़ी आपको बैंक वाले परेशान करते हैं, कॉल करते हैं, क्योंकि बैंक का लोन
कितना मुश्किल है ये वही इंसान बता सकता है जिसने बैंक से लोन लिया होगा। तो फ्रेंड भूल कर भी आप लोग बैंक से तो कभी भी लोन ना ही लीजिए, और फाइनेंस वाले जो बैंक होता है उनसे तो आप बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि ब्याज का स्याज उस पर चढ़ता जाता है। और अगर आपने 1 लाख का लोन लिया था तो आपको वहाँ पर 3 लाख रुपये चुकाने पड़ जाते हैं, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान में आप लोग रहते हैं। इसलिए फ्रेंड्स मैं कहती हूँ कि अगर आप लोग LIC में प्लान लेते हैं तो इसमें आपको लोन की फैसिलिटी भी मिलती है, आप लोग लोन ले सकते हैं जितना आप पे करते हैं। यानी कि मान के चलते कि आपने 4 सालों के दौरान 3 लाख या 4 लाख रुपए पे किए, तो फ्रेंड उसको आपको 70 से 80% जो है लोन मिल जाता है। अब फ्रेंड्स मानते हैं कि अगर आप लोग लोन पे नहीं कर पाते तो क्या होता है, तो फ्रेंड्स अगर आप लोग लोन पे नहीं कर पाते तो भी LIC कहता है कोई बात नहीं, आप लोन पे नहीं कर पा रहे लेकिन जो इंटरेस्ट है वो आप देते रहिए, जब आपकी मैच्योरिटी आएगी उसमें से आपको जो लोन का अमाउंट है वो काट के आपको पे कर दिया जाएगा। लेकिन अब आप कहते हैं कि हम इंटरेस्ट भी पे नहीं कर पा रहे हैं तो अब क्या होगा, तो फ्रेंड्स इसमें भी कोई टेंशन की बात नहीं है, पॉलिसी की जब मैच्योरिटी आएगी तो उसमें से आपका लोन प्लस इंटरेस्ट जितना भी बनेगा वो कट के आपको मैच्योरिटी दे दी जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग भी LIC में पॉलिसी लेते हैं और पॉलिसी लेने के बाद आप LIC में लोन लेने का सोचते हैं तो फ्रेंड्स इंटरेस्ट आप लोग ज़रूर पे करते रहिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स होता क्या है कि इंटरेस्ट भले ही कम हो लेकिन अगर आप उसे 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल पे नहीं करेंगे तो जितने का आपका लोन था उतने का ही आपका वो ब्याज भी बन जाएगा। फिर आप लोग कहोगे इतना ब्याज LIC में है, इतना तो बैंकों में भी है, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। तो फ्रेंड्स जब ब्याज इकट्ठा होता जाएगा तो ज़्यादा तो लगेगा ही ऑब्वियसली, इसलिए आपको क्या करना है मंथ अपना 6 महीने में आपका जो है लोन जमा होता है, लोन का इंटरेस्ट जमा होता है, या फिर 6 महीने में या फिर सालाना आप जो है अपना ब्याज जमा करते रहिए, उसके साथ साथ आपको लोन का अमाउंट जितना आपसे बन पड़ता है 1000 2000 5000 जितना भी लोन का अमाउंट, यानी कि मान के चलते इंटरेस्ट आपका बना 5000 प्लस आपको लोन आप जितना पे करना चाहते हैं 5000 10000 15000 2000 3000 उसमें ही ऐड करके, यानी कि 5000 प्लस 2000 आप लोग पे करते रहिए, आपका इंटरेस्ट भी आपका जाता रहेगा प्लस आपका लोन का अमाउंट भी कम होता रहेगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये थे हमारे LIC के 4 पॉइंट, जो कि अगर आप LIC में पॉलिसी लेने की सोच रहे हैं तो ये 4 बेस्ट पॉइंट है जो कि आपको अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स अगर आप लोग एजेंट हैं तो ये 4 पॉइंट अपने क्लाइंट के सामने ज़रूर रखिए, और अगर तब भी आपको क्लाइंट नहीं समझता है तो उसके पास अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप और 4 लोगों से बात कीजिए, क्योंकि जिसने मन में ही ठान रखी है मुझे नहीं समझना तो आप चाहे बात नहीं मानेगा, तो ऐसे लोगों के पीछे टाइम वेस्ट ना करके नए लोगों से बात कीजिए, नए लोगों से। इसी के साथ साथ आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय फ्रेंड्स।